हेलो फ्रेंड्स, आइए मंकित स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 क्लासेज पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बोला था, आपका जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपको ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस कवर करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चली हुई है, करंट अफेयर्स की सीरीज चली हुई है, फिजिक्स की सीरीज चली हुई है, ठीक है, सभी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज चली हुई है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है, इंग्लिश की भी चली हुई है। अभी बायो का ये पार्ट थर्ड है MNS के लिए, टारगेट 2021 MNS, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप बाकी साथियों के साथ भी डिस्कशन कर सके इससे रिलेटेड, ठीक है। और इससे पहले वाली जितने भी वीडियोज हैं वो भी आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। और साथ में एक और चीज़, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को चाहे तो पॉज कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए उसका राइट आंसर क्या है। अब अपनी साइड से भी ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, MNS प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट करवाए थे उसके बाद से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 97। ओके, 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द अबोव आर द ऑप्शंस। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। तो इनमें से एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ राइट क्या है। ओके, बी विल बी द आंसर, ओनली वन, लेटरल आउटग्रोथ ऑफ लीफ बेस इज कॉल्ड स्टिप्यूल। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 98, दिस वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस, क्वेश्चन नंबर 98। देन क्वेश्चन नंबर 98 के लिए राइट आंसर विल बी सी, सी राइट आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ टू, फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर पार्थिनोकार्पिक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 99, अब हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 99 राइट आंसर विल बी सी, बोथ आर मेम्बर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, ये रोंग है, बाकी सभी राइट है। क्योंकि देखिए, इच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA, यस राइट है, नाइदर आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी राइट है, माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट सिंथेसिज ऑल देयर प्रोटीन्स, ये भी राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 100, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है विच इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 100। ओके, देन करेक्ट इज 1 एंड 2, ए ऑप्शन विल बी राइट। अब देख लीजिए 1 एंड 2 क्या है, ड्यूरिंग रेनी सीजन वुड स्वेल्स अप ड्यू टू इम्बिबिशन, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफन कॉजेज डेथ ऑफ क्रॉप प्लांट ड्यू टू एक्जोसमोसिस। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, आपको इसमें से बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं दो ऑप्शन ये है, बाकी भी आप देख सकते हैं जो बाकी स्टेटमेंट्स है, यस थर्ड स्टेटमेंट यहाँ दी गई है, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 101 के लिए। देन बी, ओनली सेकंड पॉइंट ही करेक्ट है, वो आप देख लीजिएगा प्रीवियस कर वीडियो को। अब आपको यहाँ दो लिस्ट दी गई है, ओके, आपको इन्हें करेक्ट मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको इन्हें मैच करना है, ठीक है। देन राइट आंसर फॉर दिस, यस राइट आंसर फॉर दिस विल बी सी, सी। ओके, सी में क्या भाई, मैंगो, देखिए मैंगो, मिजोकार्प, ओके, कोकोनट फ्लैश एंड वाटर, इट विल बी एंडोस्पर्म, लीची, यस एराइल एंड एप्पल फ्लैसी थैलेमस। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 103, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 103, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नीड है तो, यस क्वेश्चन नंबर 103। देन बी विल बी द राइट आंसर, बी। ओके, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एक्टिवेट क्लोरोफिल। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 104, यस क्वेश्चन नंबर 104, यस आप देख सकते हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट कोड, क्वेश्चन नंबर 104, एंड फॉर 104, यस राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। कैसे, देखिए
पीसी कल्चर किससे रिलेटेड होता है, सॉरी सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, ये होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ओके देन पीसी कल्चर किससे होता है, ये होता है फिशिंग फार्मिंग। एपिकल्चर किससे होता है भाई, बी कीपिंग। टिश्यू कल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क। ओके टिश्यू कल्चर किससे होता है भाई, सॉरी माइक्रो प्रोपगेशन। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5। ओके आपको क्या करना है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 105, यस राइट आंसर फॉर 105 इट विल बी बी 2143। अब कैसे है देख लीजिए, अगर बात करें लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा वो कौन सी है, मैक्रोसाइटिस। ओके देन स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वोल्फिया, लिविंग फॉसिल उसके लिए गिंको एंड राइजोफोर इसके लिए सेले गिनला। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, देन अब आपको बताना है अगर पूछ लिया जाए आपसे लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ लिया जाए लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि कौन सा होगा। ओके लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 106, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। 106, ओके राइट आंसर विल बी फॉर 106 इट विल बी सी 1 and 2 ओनली। कॉमन सिलीजम कैन बी सीन बिटवीन सी एनिमोन एंड पेगुरस। ओके वायसराय बटरफ्लाई मिमिक्स। ओके देन इसके लिए देन क्वेश्चन नंबर 106 राइट आंसर विल बी यस सी 1 and 2 ओनली। ओके 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको बताना है एसर्शन और रीजन, ठीक है दोनों चीज़ देख लीजिए उसके बाद आपको बताना होगा। ठीक है 107 के लिए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। कैसे, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा, एंजियोस्पर्म्स आर हाईली एडोप्टेबल इन डाइवर्स हैबिट्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 108, वैसेलाइन वॉज अप्लाइड टू बोथ सर्फेसिज ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिज वुड बी अफेक्टेड। ओके वुड बी अफेक्टेड। देन क्वेश्चन नंबर 108, यस आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आपको फिर उसमें से बताना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 108, यस राइट आंसर विल बी फॉर 108 इट विल बी डी 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 109, यस चेक इट एंड राइट आंसर विल बी द एंजाइम नाइट्रोजनेस रिड्यूसेज N2 टू फॉर्म अमोनिया। देन क्वेश्चन नंबर 110, कंसिडर द फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स। ओके 110 राइट आंसर विल बी ए 1 and 2। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्टिज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सेकेंड इज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देन नेक्स्ट वन 111, मैच लिस्ट 1 and list 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 111, यस राइट आंसर विल बी सी। ओके सी, सी में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें बार्ले कोन के लिए क्या होगा, बियर बनती है भाई इससे, कोन से क्या बनता है, कोन से विस्की। ओके दिस वन ग्रेप्स से वाइन एंड मोलासिस से इससे क्या बनते हैं, रम। तो देखिए आपको ये देखने में सभी एक जैसे लग रहे होंगे बट इन सभी में डिफरेंस है, ठीक है कौन सभी से डिफरेंट चीज़ें बनती है। देन क्वेश्चन नंबर 112, मैच लिस्ट 1 and 2। 112, यस देन 112 के लिए आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिस्ट 1 and 2 का, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही दिखा पाऊँगा। ओके 112 के लिए यस इसके लिए राइट आंसर क्या होगा 112 के लिए, बी। ओके दिस वन बी। अब आप सीरीज को खुद मैच कर देख सकते हैं। उसके बाद असर्शन एंड रीजन, यस सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया 113, आपको बताना है स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स 113 के लिए राइट आंसर विल बी सी ए इज ट्रू। ओके इट मींस एंड आर इज फॉल्स। मेंडल वर्क्स ऑन गार्डन पी, यस बट गार्डन पी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मेलवेसिन्स, नो। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, देन आपके लिए क्वेश्चन है आपको बताना है गार्डन पी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, गार्डन पे किस फैमिली से बिलोंग करती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 114, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स। क्वेश्चन नंबर 114, यस, फॉर दिस राइट आंसर विल बी 114 के लिए, यस, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सोलेनेंस, ओके, इसके लिए क्या रहेगा, कॉटन। मेलवेसी, इसके लिए ओनियन। लिवियसी, ओके, इसके लिए रहेगा रेडिस। एंड क्रूसीफे फेर, इसके लिए क्या रहेगा, पोटैटो। द नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 115, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 के लिए ए विल बी द राइट आंसर, वन ओनली। एंडोइसियम एंड गाइनोइसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, देन इट विल बी राइट आंसर ए ओनली। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 116, ओके, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन, एंड टेल मी विच वन इज करेक्ट प्लांट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, यस, डी विल बी द राइट आंसर, कैम्फोर, किशोरी, ओके, वेनिला। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 117, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 107, क्वेश्चन नंबर 117, ओके, 117 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सभी स्टेटमेंट देखिए और बताइए विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, राइट आंसर विल बी, यस, सी, वन एंड टू, इनमें से जस्ट वन एंड टू पार्ट आर, यस, राइट। वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव ओनली वन एसेंशियल फ्लोरल वोरल, आइदर एंडोइसियम और गाइनोइसियम। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 118, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट। 118, यस, देन राइट आंसर विल बी बी, टू ओनली, एगेरिसेसिया इंक्लूड्स मशरूम्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, 119, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये सभी स्टेटमेंट्स देखकर ये बताना है विच वन इज करेक्ट 119 के लिए। देन राइट आंसर विल बी, यस, ए, वन ओनली, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन विच द इम्प्योर ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, यस, देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 120, यस, आप देख सकते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच करना है और आपको बताना है विच वन इज करेक्ट कोड। देन स्टार्ट करते हैं हम, यस, क्वेश्चन नंबर 120, सी विल बी द राइट आंसर, ए के लिए, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, विलियम हार्वे, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ओके, स्टेफन, और कॉइन द टर्म जेनेरा, इट विल बी जॉन रे, डिस्कवर्ड वेरियस ब्लड ग्रुप्स, कार्ल लैंडस्टेनर। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 121, कंसिडर द फॉलोइंग असर्सन एंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 121, देन राइट आंसर फॉर 121, यस, इट विल बी डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, सो बोथ आर फॉल्स। देन 122, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, यस, यू नीड टू टेल, आपको इनका ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 122, राइट आंसर विल बी ए, कैसे, ए के लिए क्या होता भाई, एंटीबी, ओके, बी के लिए एंटीए, ए बी के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, और ओ की बात करें तो बोथ एंटी ए एंड एंटी बी। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 123, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यस, 123, यस, देन 123 के लिए सी विल बी द राइट आंसर, सी, देखिए सी में क्या है, ओनली थ्री ओनली। देन इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट वन, 124, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, देन वॉच ऑल पार्ट्स, ओके, देन राइट आंसर विल बी 124 के लिए सी विल बी द राइट आंसर, वन एंड थ्री, द वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाई इवानोव्स्की एंड द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई सलीडियन एंड सेक्वेनन। The next one, 125. Question number 125. आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू मैच करना है, ठीक है, 125 के लिए, यस, बी विल बी द राइट आंसर। देन अगर बात करें सेल्यूलोज
कॉटन वूल, ओके, फ्रुक्टोज हनी, मेल्टोस डिस एचिराइड एंड सुक्रोज शुगर केन. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 126. ओके, आपको बताना है इनमें से एजेंट्स एंड द डिजीज दे कॉज इन प्लांट्स. 126, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नेक्स्ट में क्या होगा, आपको कोड मिलेंगे. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका 126 के लिए. ओके, देन फॉर क्वेश्चन नंबर 126 राइट आंसर विल बी बी 1342. अब आप चेक कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देन नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस. क्वेश्चन नंबर 127, यस, राइट आंसर विल बी सी. ओके, सी, वन एंड टू, दीज टू आर राइट आंसर. द जीएम टोमेटो हैज ब्लॉक द एंजाइम पोली गैलेक्ट्रियोनोस. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 128, या क्वेश्चन नंबर 128. देन यू कैन सी हेयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. 128 के लिए सी इज द राइट आंसर. कैसे? कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. द नेक्स्ट वन 129, आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस. 129 राइट आंसर विल बी बी, 1 and 3 ओनली. हिरेडुन एंड एंटीकोगुलेंट प्रोटीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम ब्रेसिका नेपोज. एंड नेक्स्ट वन इज टिश्यू कल्चर टेक्निक इज बेस्ड ऑन टैटी पोटेंसी. देन क्वेश्चन नंबर 130, यस, क्वेश्चन नंबर 130 राइट आंसर विल बी बी, ओनली 2. फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज ई जे बटलर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131. क्वेश्चन नंबर 131, मैच द फॉलोइंग प्लांट्स विद द ड्रग्स दे इल्ड. क्वेश्चन नंबर 131, ओके, राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन. यस, राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन. यस, फॉर ऑप्शन ए देर विल बी इसा ब्लॉग, इसा बगोल, पेपा वेवर एंड किनकोना. ओके, इसके लिए आपका रहेगा ओपियम विदानिया, इसके लिए रहेगा आपका यस अश्वगंधा एंड प्लेंटेगो ओवेटा. यस कुनीन. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 132, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 132, यस, चेक कीजिए और बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है. देन सी विल बी राइट आंसर. सी विल बी राइट आंसर, यस. देन क्वेश्चन नंबर 133, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्लड. क्वेश्चन नंबर 133, देन हेयर सी विल बी द राइट आंसर. 1, 2 and 3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर. द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसर्सन एंड रीजन. क्वेश्चन नंबर 134, देन 134 के लिए डी विल बी द राइट आंसर. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए क्या इसमें से फॉल्स है, आर क्या है ट्रू. द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 135, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर द कोड्स गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 135, यस 135 के लिए, यस 135 के लिए राइट आंसर विल बी डी. 1, 2, 3 and 4, यस 1, 2, 3 and 4. इन डीएनए द बेस एडेनाइन ग्यूनाइन थायमिन एंड साइटोसाइन आर फाउंड. यस, न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द डीएनए ऑफ ए सेल. यस, इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड विद यूरेसिल. आरएनए इज मेनली फाउंड टू बी इन द साइटोप्लाज्म. देन 136, लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 136, यस, फॉर 136 डी विल बी द राइट आंसर. डी, ओके, यस, ह्यूमन 3 क्रोमोसोम्स पेयर. ओके, क्रोमोसोम्स इन पेयर्स. हाउस फ्लाई के अंदर कितने होते हैं भाई, 39 पेयर्स होते हैं. मॉस्किटो के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर 3 पेयर्स होते हैं. ओके, मॉस्किटो के अंदर होते हैं 6 एंड डॉग के अंदर होते भाई 23 पेयर.
देन अगेन यू कैन चेक ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं भाई, 3 पेयर्स, हाउस फ्लाई के अंदर 30, 9 पेयर, मॉस्किटो के अंदर 6 पेयर, डॉग के अंदर 2 पेयर होते हैं भाई, सॉरी डॉग के अंदर होते 23 पेयर. ओके देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर. ओके देन यहाँ जो आपको आंसर दिया गया ये रॉन्ग है भाई. इसके लिए देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है. इसके लिए वुमेन के लिए 23 पेयर, ओके हाउस फ्लाई के लिए 6 पेयर, मॉस्किटो के लिए 3 पेयर, डॉग के लिए 39 पेयर. ओके देन नाउ यू कैन चेक, दिस विल बी द राइट आंसर. देर इज नो एनी ऑप्शन इक्वल टू दिस. देन ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है. तो मैंने करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया है राइट क्या होगा. वुमेन 23, हाउस फ्लाई 6, मॉस्किटो 3, डॉग 39 पेयर्स. देन क्वेश्चन नंबर 137. यस फॉर 137 यस आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने. आपको बताना है जो कोड्स यूज किए गए हैं, दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 137 ओके राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव. ओके देन नेक्स्ट वन. यस क्वेश्चन नंबर 138. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके पहले ऑल ऑफ द अबोव में देख लेते भाई. देर इज नो सेल वॉल इन ह्यूमन, सॉरी इन एनिमल सेल, बट द सेल इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लोरोफिल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. लाइसोसोम्स अकर्स इन प्लांट सेल्स, ऑलमोस्ट इन ऑल एनिमल सेल्स. सेंट्रियोल्स एग्जिस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 138. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विद रेफरेंस इन ह्यूमन बॉडी. 138. यस बी विल बी द राइट आंसर, टू ओनली. द पेनक्रियाटिक डक्ट रिलीजेस इट्स कंटेंट्स इनटू ड्यूडेनम. देन नेक्स्ट वन 139. यस 139. मैच लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 139. यस देन बी विल बी द राइट आंसर, बी. हाउ, देखिए मैन के लिए यस ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम, मैन के लिए होमोसेपियंस, ओके कैट के लिए बोस इंडिकस, काउ के लिए फेलिस डोमेस्टिका, डॉग के लिए कैनिस फैमिलियर. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर. ओके देन चेक हियर, देखिए यहाँ भी वही ये ऑप्शन गलत है क्योंकि राइट क्या होगा. यस ए विल बी द राइट आंसर. कैसे, मैन होमोसेपियंस, कैट फेलिस डोमेस्टिका, काउ बोस इंडिकस, डॉग कैनिस फैमिलियर इज. देन 140. यस क्वेश्चन नंबर 140 आपको बताना है आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. सेलेक्ट द करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 140 ए विल बी द राइट आंसर, ए. ओके 4123. टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन, ओके कोडीन, इट विल बी सिडेटिव ड्रग. कोइटोकस, इट विल बी इंडियन रबर. यूगी नोल, एरोमेटिक ऑयल ऑफ क्लोव. देन क्वेश्चन नंबर 141. ओके क्वेश्चन नंबर 141, मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट साइंटिफिक नेम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 141. यस नंबर 141. ओके देन चेक क्वेश्चन नंबर 141. यस 141 के लिए देख लीजिए राइट आंसर विल बी फॉर 141 बी. बी विल बी द राइट आंसर. कैसे, देखिए अगर हम बात करें बफेलो, बफेलो के लिए क्या होगा, बोवाइन. ओके सिप के लिए क्या होगा भाई, ओविन. गोट के लिए यस कैप्राइन, हॉर्स के लिए एक्वाइन. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 142. यस 142. विल्ड लाइफ स्पीसीज एंड साइंटिफिक नेम्स. क्वेश्चन नंबर 142 राइट आंसर विल बी बी. 3241. 3241 ए के लिए एशियाटिक विल्ड. यस एक्वस हेमिनोज. देन नेक्स्ट वन बारहसिंगा. राइट आंसर विल बी रेक्यूवेस. ओके देन चिंकारा, गजेला बेनेटी, नीलगाय. नीलगाय के लिए देर विल बी बोसेल फस. देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 143. लिस्ट 1 and लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. 143 के लिए यस बी विल बी द राइट आंसर. 4321. यस यस देन राइट आंसर विल बी बी. तो देखिए अब आप यहां से देख सकते हैं और मैं इसी के साथ इस क्लास को यहीं कंप्लीट कर रहा हूं.
ठीक है। इसके बाद बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे आपकी डिमांड पर, अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप इसके और पार्ट्स भी चाहते हैं या अदर कोई अलग सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन कम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन आपसे बीच में पूछे गए उनका भी रिप्लाई करें। वीडियो को ज़्यादा लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आइए मंकित, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 क्लासेज पर। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है अभी हमारा जो बैच चला हुआ है वो चला हुआ है MNS का, ठीक है, टारगेट 2021, MNS टारगेट 2021। और प्रीवियस ईयर मैं यहाँ अभी देखिए सभी सब्जेक्ट्स की आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बायोलॉजी का ये पार्ट 4 है, ओके। और इससे पहले भी मैं आपको 150 क्वेश्चंस और करवा चुका हूँ और एक कंप्लीट भी करवा चुका हूँ एग्ज़ाम। तो अभी इसे और कर लीजिए आप, अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए। और देखिए अभी आपका एग्ज़ाम है, मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर अप करवा दूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी साथियों से भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़ जाइए, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल पर आपको डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, चाहे आपका अभी देखिए पहला ये MNS का है, इसके बाद CDS और NDA सभी के लिए है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी देखिए मुझे नहीं पता कि आपको किस किस सब्जेक्ट की ज़्यादा नीड है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा आपको केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए, बायो चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी हो, करंट अफेयर्स, जो आपका मन करे आप बता दीजिएगा, हमारे पास सभी चीज़ों की क्लासेज अवेलेबल है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, बाकी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोज का सभी का, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, और मैं आपको बता दूं लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको 20 मिनट्स में ये कवर अप करवा दूंगा, ठीक है, 20 to 25 के, ओके, इन बिटवीन देन, और उससे भी कम में ट्राई करूंगा हो जाए। विद रिगार्ड टू एनिमल्स ब्रीडिंग, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सी चीज़ इनमें से करेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 150, यस, राइट आंसर विल बी डी विल बी द राइट आंसर। आउटक्रॉसिंग, ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एन आउटक्रॉस, नो, ये रॉन्ग है। बाकी सभी देखिए, इनब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 1 to 2 जनरेशन, राइट, ये भी राइट है। आउटब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड विदाउट कॉमन एनसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्रॉस ब्रीडिंग, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड, ओके, जस्ट यही रॉन्ग है डी पार्ट, तो इट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, काफ़ी साथियों को लग रहा होगा कि मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ये कुछ भी हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ स्वाइन फ्लू, क्वेश्चन नंबर 151, ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर आपको बताना है विच ऑफ दीज आर राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 151। तो आप एक बार सभी ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ राइट आंसर विल बी सी, सेकंड एंड थर्ड आर राइट। द रिस्क इज हायर इन दोज हु कंज्यूम पोर्क, इट हैज अ प्रोस्पेंसिटी टू स्प्रेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ओके, देन नेक्स्ट वन 152, यस, बैलेंस्ड डाइट शुड हैव अप्रोक्सीमेटली, जो हमारी बैलेंस्ड डाइट होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट के अंदर, तो इसके लिए सी विल बी द राइट आंसर, सी, 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट, 3/5 कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, इट मीन्स आपके पास जो टोटल होगा वो क्या होगा, 1/5 पार्ट प्रोटीन होगा, 1/5 पार्ट फैट एंड 3/5 पार्ट कार्बोहाइड्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 153, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 153, इट विल बी, यस, यहाँ आप देख सकते हैं द नेक्स्ट फोर आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, यू आर एग्जामिन देज टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर्स टू देज आइटम्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो आपको इनमें से बताना है, ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअल, ट्रू एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताता चलूँगा क्योंकि आंसर, यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 153,
यस, तो यहाँ एक बार देख लीजिए पहले, ये बहुत जरूरी है भाई। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ गया ये, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या होगा, दोनों इंडिविजुअली ट्रू है बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सेकंड में क्या है, दोनों ट्रू है बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और थर्ड में क्या है, वन इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में क्या है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्ट बट फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। काफ़ी कन्फ्यूज होंगे आप भी इसमें, डोंट वरी, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, चाहे आपको दो फोन ही क्यों ना रखने पड़े साथ में, ठीक है, या फिर एक पर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यस बी विल बी द राइट आंसर। बी कैसे होगा देखिए बता देता हूँ, वहाँ बोला गया था बोथ आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ऑक्सीडेशन इज इन आवर बॉडी सेल्स डेंजर रिलीजियस डेंजरस फ्री रेडिकल्स। सेकेंड है आवर बॉडी इट सेल्फ प्रोड्यूज एंटी ऑक्सीडेंट्स टू न्यूट्रलाइज हार्म फ्री रेडिकल्स, ओके रेडिकल्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 154, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस, वाटर एंटर्स इनटू रेड ब्लड। देन इन दोनों के लिए देखिए 153 के लिए बी राइट था, एंड 154 के लिए अगर हम बात करें तो ए विल बी राइट, क्योंकि सेकेंड जो है फर्स्ट का राइट एक्सप्लेनेशन है, यस राइट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 155, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल्स। तो ये सभी देख लीजिए, और इसके लिए यस आपको देखिए एक बार देखना होगा ये सारी की सारी स्टेटमेंट रिगार्डिंग, वेट 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 दिस वन, यस 155 आपको देखना होगा रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल्स। इसके लिए राइट आंसर क्या है, यस राइट आंसर विल बी बी, ओनली थ्री, थ्री विल बी द राइट आंसर। यस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट वाटर पोटेंशियल इन साइड द एनिमल बॉडी, ओके। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर, यस इसका राइट था भाई बी। क्वेश्चन नंबर 156 देख लीजिए, असर्शन एंड रीजन, आपको बताना होगा विच वन इज राइट। 156 देखिए, ये है असर्शन और इसका राइट आंसर क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हम ट्रू ही देखेंगे, रो कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स, दे आर सोल्यूबल इन वाटर्स, ओके। देन नेक्स्ट वन इज 157, आपको इन्हें, यस नेम ऑफ द हाई यील्ड, नेम ऑफ द क्रॉप एंड नेम ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी, ओके आपको इन दोनों को साथ में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 157 एंड योर टाइम स्टार्ट्स, आपको एक बार आप खुद देखिएगा कि आपको आता है या नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आराम से देखिए, ठीक है। 157 के लिए सी विल बी द राइट आंसर, सी, यस सी विल बी द राइट आंसर। 3, 2, 1, ए माइज रंजीत पैडी जया व्हीट अर्जुन, हाई यील्डिंग वैरायटी। देन 158, विद रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यस आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 158 क्वेश्चन आपके सामने, ए विल बी द राइट आंसर 158 के लिए ए। कैसे, बनाना इज रिचर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन एप्पल्स, यस बनाना कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, यस देन ये इसके अंदर करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, ये आया भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159, यस इसके लिए राइट आंसर विल बी विटामिन ए। विटामिन ए का रिच सोर्स है क्या, काउ मिल्क। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इज, 160, यस 160 है आपका क्वेश्चन नंबर बी विल बी द राइट आंसर बी। किंग कोबरा, यस जो किंग कोबरा होता है, कोबरा होता है, दैट बिल्ड्स इट्स नेस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके यहाँ से स्टेटमेंट देखिए 161 के लिए, एंड राइट आंसर विल बी, देखिए राइट आंसर विल बी सी, 2 and 4। टू हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इन ब्लड इन बर्ड्स एंड इन ऑल रेप्टाइल्स, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स ओनली। 162, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, 162 के लिए यस बी, नेचुरल सीमन एंड आर्टिफिशियल डिल्यूएंट, ओके। देन नेक्स्ट वन 163, यस क्वेश्चन नंबर 163, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पर्टेनिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन द एरिया ऑफ, 163 के लिए, ओके यहाँ से देखिए बी विल बी द राइट आंसर, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, देन चेक इट,
controlled and assured source of immigration, where chemicals fertilizers is adequately applied, and where farmers are more receptive to innovations. The next one, 164. Okay, consider the following respiratory pigments. Okay, and then tell iron is contained in. Okay, 164. B will be the right answer. 1 and 3. Hemoglobin and yes, Hemoira rythrin. Yes, Hemoira rythrin. Then next one, 165 and 166. यहाँ assertion and region है, आपको दोनों बताने हैं, ठीक है? और यहाँ बताया गया है A and B are true but R is correct explanation. A and B are true but R is not correct. Okay, explanation A is true but R is false. A is false but R is true. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज किया जाता है एप्लीकेंट्स को, ठीक है? आपके जो लॉजिकल है वो आपकी स्ट्रोंगनेस चेक की जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 165 के लिए, ओके, बी विल बी द राइट आंसर. फॉर 165 बी विल बी द राइट आंसर. हेयर देर विल बी द सेकेंड इज नोट, बोथ आर ट्रू बट सेकेंड इज नोट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. ओके, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज हाईली फोल्डेड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स लैक्स द हाइस्टोन. देन 166 के लिए एसर्सन दिया हुआ है आपको, रीजन भी दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 166 के लिए ए विल बी द राइट आंसर. ए आएगा, इसमें क्या आएगा, बी, और इसमें आएगा ए. 165 में बी, 166 में ए. कैसे? कनिफर्स फ्लोरिस इन द कोल्ड जोन्स ऑफ नॉर्थ. एवरग्रीन कनिफर्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन इन शॉर्ट डेज. देन नेक्स्ट वन इज 167. क्वेश्चन नंबर 167 है आपके सामने. यस, आपको क्या बताना है? फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन फिगर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन फिगर. 167. यस, सी विल बी द राइट आंसर, यूरासिल. ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 168. मैच लिस्ट वन नेम ऑफ द प्लांट एंड लिस्ट टू सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 168. यस, देन राइट आंसर विल बी सी. यस, सी विल बी द राइट आंसर. फोर, देखिए ए के लिए क्या होगा, कोकोनट के लिए बाय वाटर. डोमेस्टिक किसके लिए होगा भाई, बाय विंड. कोकलेबर, ओके, कोकलेबर ये होगा बाय एनिमल्स. एंड कैस्टर, कैस्टर बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म. यस, देन नेक्स्ट वन, 169. द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू. जो यूरिन का येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है, 169. यस, देन डी विल बी द राइट आंसर, यूरोक्रोम. यूरोक्रोम. देन नेक्स्ट वन इज 170. एसे नोड ऑफ मेमेलियन हार्ट इज नोन एज. क्वेश्चन नंबर 170. यस, राइट आंसर इज पेस मेकर. पेस मेकर. देन नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कंटेंस कितना होता है ब्लड के अंदर. यस, 171. सी विल बी द राइट आंसर, सेवरल मिलियन सेल्स. देन क्वेश्चन नंबर 172. एक्यूपंक्चर इज अ मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच. क्वेश्चन नंबर 172. बी विल बी द राइट आंसर. नीडल्स आर इंसर्टेड इन टू पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिलीव पेन. ओके, देन नेक्स्ट वन, 173. क्वेश्चन नंबर 170. ह्यूमन ब्लड कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा. क्वेश्चन नंबर 173. यस, डी विल बी द राइट आंसर, डी, 65%. 65% ऑफ प्लाज्मा. ओके, देखिए 173 हुए हमारे और टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे 175 पर ही रोक दिया जाए, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट में आपको बचे हुए 25 क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे. देन वीवी पेरी इन प्लांट्स मीन्स. ओके, वीवी पेरी इन प्लांट्स मीन्स, 174. डी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इनसाइड द फ्रूट. ओके, व्हाइल इट इज स्टिल ऑन द प्लांट पेरेंट ट्री. यस, 174. डी विल बी द राइट आंसर. देन नेक्स्ट वन के लिए, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इज अ बैलेंस ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस. ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट बोथ हीट गेन एंड हीट लॉस एक्सेप्ट. 175. ओके, ए विल बी द राइट आंसर. एक्टिविटी ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स.
ओके तो देखिए भाई, मैंने आपको अभी तक, हमारा ये फोर्थ पार्ट था और इससे पहले दो पार्ट हम आपको वैसे करवा चुके बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह की नीड हो, जिस सब्जेक्ट की आपको चाहिए, MNS का आपका एग्ज़ाम है 28th को, ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट की आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा। चाहे आपकी करंट अफेयर्स की है तो मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। 6 मंथ्स कहोगे 6 मंथ्स, 1 ईयर बोलोगे 1 ईयर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस चाहिए, बायो की और क्लासेस चाहिए, जो आपको क्लासेस चाहिए आपको आपके लिए अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, इंग्लिश की क्लासेस भी, आपको जो भी क्लासेस चाहिए वो आप ले सकते हो। और अगर किसी को कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए अन अकेडमी पर, देन वो भी मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्योंकि आपको वहाँ यूज करना होगा कोड Mankit72, ठीक है, और मैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी दिला सकता हूँ। Mankit72 यूज कर लीजिएगा, चाहे किसी भी तरह का कोई भी कोर्स हो। और अगर आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, एडमिन के पास मैसेज कर दीजिए, मेरे पास ही मैसेज आएगा वो। तो किसी भी तरह का, जरूरी नहीं सिर्फ डिफेंस, किसी भी तरह का अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स चाहिए उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आप अपना आप अपने ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम Mankit, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Mankit72 क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज चल रही है अभी बायोलॉजी की, तो इसमें आपका देखिए पार्ट 5 है आज, टारगेट 2021 MNS 2021 के लिए, ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इससे पहले के 4 पार्ट और आपको मिल जाएंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उनमें देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो, वो भी आपको दे दिए गए हैं, और साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेज, आपकी इंग्लिश की क्लासेज, जो भी क्लासेज आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको वो सभी उपलब्ध करवा देंगे। और जितना हो सकता है मैक्सिमम, चाहे हमें एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी पोस्ट करनी पड़े, मैक्सिमम भी करनी पड़े, बट जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बेस पर हम ये कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। और आपका अभी 28 को एग्ज़ाम है, उससे पहले अगर आपकी जिस भी सब्जेक्ट को आपके आपको चाहिए कोई भी मटेरियल, आप हमें बता दीजिए, हम उसकी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिए। इससे पहले हमने किए थे 175 क्वेश्चन पर थे, अब क्वेश्चन नंबर 170, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 176, ठीक है। तो 176 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। When a person after a certain degree of exercise suffers from pain in the chest or below the collar bones in the events of inadequate supply of oxygen to the heart muscles, he is said to suffer from. Yes, right answer क्या होगा इसके लिए? इसके लिए right answer होगा C. क्या right answer होगा भाई? इसके लिए सही answer क्या है? Angina pectoris. Okay. और ये question आपके लिए बहुत ज़्यादा important है। अब उसके बाद बात करते हैं unwanted. Yes, unwanted sound creates noise pollution and its unit is decibel. Prolonged exposure of noise level of how many dB decibel may gradually lead to permanent loss of hearing ability. तो question number 177 के लिए right answer will be C, 80 dB से ऊपर. Yes, अगर 80 dB से ऊपर है then it can be permanent loss of hearing ability. It can lead परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 178, 178 क्वेश्चन देख लीजिए. व्हाट हैपन्स ईच डे व्हेन द लीफ ऑफ ए प्लांट इज फर्स्ट एक्सपोज टू लाइट. जब वो प्रकाश के सामने आता है, किसी भी एक पौधे का पत्ता. क्वेश्चन नंबर 178, राइट आंसर विल बी डी. द गार्ड सेल्स बिकम्स मोर ट्विस्ट एंड द स्टोमेटल अपर्ट्यूस ओपन. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर है आपका 179. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. राइट आंसर विल बी राइट आंसर होगा इसका ए. ऑफ अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज प्रोबेबली अलाइव टूडे, सम 20 स्पीसीज आर लॉस्ट एवरी डे, मोस्ट ऑफ देम अननोन बिकॉज नो मोर देन 500,000 हैव येट बीन एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाई साइंटिस्ट. द नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180.
बायोलॉजिकली मैरिज शुड बी अवॉइडेड इन बिटवीन, किन के बीच में मैरिज नहीं होनी चाहिए, किन का विवाह नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 180, यस राइट आंसर विल बी डी, RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल. बहुत जरूरी ध्यान रखना होता है कि RH पॉजिटिव का RH नेगेटिव फीमेल के साथ विवाह ना हो. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 181, अ डिसऑर्डर विच इज लिंक्ड टू द वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमंस. ओके विल, क्वेश्चन नंबर 181 के लिए राइट आंसर विल बी यस डी, बी पास्ड ओनली फ्रॉम फादर टू सन. कहाँ से कहाँ तक होगा? सिर्फ फादर से सन तक. ठीक है, देन नेक्स्ट वन 182, क्वेश्चन नंबर 182 है आपका, अ डॉग कैन स्मॉल अ ब्रीडिंग बीच फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, दिस इज ड्यू टू. देखिए पूछा गया है कि जो कुत्ता होता है वो 1 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है किसी की भी सुगंध को, गंध को. कारण क्या होता है? 182, तो रीजन क्या होगा भाई इसका? रिलीज ऑफ सेक्स फिरोमोन्स बाय द बीच ड्यूरिंग ब्रीडिंग. द नेक्स्ट वन, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन मेल हैज. अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 183, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन मेल हैज, तो 183, क्वेश्चन नंबर 183 बी विल बी द राइट आंसर, 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड. मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विल फॉलोइंग. देन यहाँ देख लीजिए, ओके 184, 184 ए विल बी द राइट आंसर. ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर, इसकी वजह से. देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 185, 185 नंबर क्वेश्चन, सैक्रिफिकेशन ऑफ सीड्स इज डन फॉर रिमूविंग. या सैक्रिफिकेशन ऑफ सीड क्यों किया जाता है भाई? क्या रिमूव करते हैं हम उसके अंदर से? डोरमेंसी. क्या करते हैं? डोरमेंसी. नेक्स्ट वन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट इज. अगर ईस्ट के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो राइट मेथड क्या होगा भाई एनारोबिक रिएक्शन का? तो ये देख लीजिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, पाइरूवेट प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फिर है क्वेश्चन नंबर 187, आपको बताना है स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, विच वन? ओके क्वेश्चन नंबर 87, देन यहाँ देख लीजिए 87 के लिए डी विल बी द राइट आंसर. डी इट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड क्या है? एल्विओलाई एक्सचेंज ऑफ गैसिंग टेक प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजी इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर. एंड नेक्स्ट वन इज एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. देन क्वेश्चन नंबर 188 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 188 ये आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हार्ट. ये चार स्टेटमेंट दी हुई है, चारों को रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो यहाँ से देख लीजिए 188 था, सी विल द राइट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ. जो भी वहाँ ऑप्शन था भाई सेकंड एंड फोर्थ, देखिए दिखाई देता हूँ मैं आपको सेकंड एंड फोर्थ. ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन एंड दिस वन, पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाइल राइट वेंट्रिकल पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हो गया हमारा नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 189. ओके राइट आंसर विल बी 189 के लिए बी, सेकेंड एंड थर्ड. क्या नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स चाहिए, ठीक है, और यूरिया चाहिए, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कलेक्शन, ट्रू और करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 190. ओके राइट आंसर विल बी सी, वन एंड फोर. पिरोवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट. फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. द नेक्स्ट वन 191, यस क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू 191 के अंदर, एंड राइट आंसर विल बी सी. यस सी देख लीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 192, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन.
192. यस देन सी विल बी द राइट आंसर. सी कैसे, देखिए सेकंड एंड थर्ड दिया है ना. सेकंड देखिए, सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन. ओके एंड व्हाट वाज नेक्स्ट, इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सेलिवेशन वोमिटिंग ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द मिडल ब्रेन हिंड ब्रेन सॉरी. देन नेक्स्ट वन, ये रहा 192. नेक्स्ट क्वेश्चन है 193. ओके, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरली अमंग देमसेल्फ बिकॉज 193 ए विल डू द राइट. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट. एक मिनट भाई, ये रहा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स. द नेक्स्ट वन आपका, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड. यस, रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड 194. राइट आंसर विल बी सी. यस, इसके लिए राइट आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड सेकंड. लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन इन ब्रेड 194. ओके देन नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी 195. यस, राइट आंसर विल बी सी, थर्ड एंड फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. देन न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्म्ड इफ, न्यू स्पीसीज क्वेश्चन नंबर 196. यस, मे बी फॉर्म्ड इट 196. ए विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड. डी एन ए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेज इन जर्म सेल्स, क्रोमोसोम्स नंबर चेंजेज इन द जेमेट. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 197. यस देन राइट, इट विल बी द, यस इट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट. रिडक्शन इन वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जनरली कंट्रोल्ड जेनेटिकली. नहीं भाई, नेक्स्ट वन. देन चेक दिस, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स. ओके 198 क्वेश्चन नंबर 198. यस, बी विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट थर्ड, जीन्स आर स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ बेसिज इन डी एन ए मोलिक्यूल. इन इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन सेंटेंस, अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम. द नेक्स्ट वन, यस 199, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ वुमेन टू यूवी रेज रिजल्ट्स क्वेश्चन नंबर 199. यस सी, स्किन कैंसर. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीएच ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ए रिवर. ओके, वॉज फाउंड टू बी एसिडिक इन रेंज ऑफ 3.5 to 4.5 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वर सेवरल फैक्ट्रीज इफ दे वर डिस्चार्ज इफ्लुएंटली इन टू द रिवर. द इफ्लुएंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन द मोस्ट लाइकली कॉज फॉर लोअरिंग द पी एच ऑफ रिवर वाटर. ओके क्वेश्चन नंबर 200, लास्ट क्वेश्चन आपका, राइट आंसर विल बी सेकेंड. यस, लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रेगुलरिटी. ओके देन नेक्स्ट वन, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, आई एम अंकित, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित 72 क्लासेज में. तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और जैसा मैंने कहा था कि जितना भी जो आप बोलोगे, मैं सारा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करता चलूँगा. और MNS 2021 हमारा जो टारगेट है, टारगेट 2021 MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए, तो ये हमारा बायोलॉजी का 6th पार्ट है. ठीक है, और आज ही मैं आपको, देखिए ये काफ़ी लेट मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, और आज ही मैं आपको इसके अलावा भी 3 से 4 वीडियो और प्रोवाइड करवाऊंगा. तो और इससे पहले वाली वीडियोज भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो प्रीवियस ईयर पेपर है मैं आपको करवा चुका हूं. ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस. ठीक है, 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, बड़े ही ईजी है,
बट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपको ईजी लग रहा है या टफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखिए। यस, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई कटिंग। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए आप। यस, ऑप्शन भी आपके सामने। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई कटिंग्स, किसको कटिंग्स के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जब आप देखेंगे तो देखिए, रोज को किया जा सकता है, ब्रायोफ्लेम को किया जा सकता है, मैरीगोल्ड को, बट बनाना को नहीं किया जा सकता। तो बनाना विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट वन, वेयर डज द ब्लड मूव वेन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो कहाँ जाता है, ये जाता है ओल्ट्रा। ठीक है, यस। तो एक बार आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसे देख लीजिए आपको आता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा और फिर लास्ट में आप मुझे स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, यस, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स भी है जिनका एग्जाम है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स। यस, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपके सामने है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स, ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट। ठीक है, अब आप इसमें अपना आंसर चूज कर लीजिए, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यस, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस। ओके, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप। यस, ये रहे चारों ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए आपको क्या लगता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ। यस, राइट आंसर विल बी प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड। ओके, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। देन नेक्स्ट वन, देखिए समय की कमी की वजह से, यस, क्योंकि आपका एग्जाम है और समय की कमी की वजह से मैं ज़्यादा इसको, ठीक है, वन बाय वन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने PDF बनाई है आप लोगों के लिए टाइप कर और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी द हार्ट बीट ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट्स एट। अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए, यस, अगर गर्भावस्था की बात की जाए, द हार्ट बीट ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट कब से स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, फोर्थ वीक, सेवन्थ वीक, सिक्स्थ वीक, फिफ्थ वीक। राइट आंसर विल बी फिफ्थ वीक, पांचवें सप्ताह से एम्ब्रियो जो है, यस, हार्ट बीट उसकी स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट वन, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस। ओके, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, एक बार आप देखिए। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। राइट आंसर विल बी एमनियोन, राइट आंसर विल बी एमनियोन। और ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो नेक्स्ट वन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, STD, विच इज नॉट अ STD। देन चेक कर लीजिए, देखिए एड्स भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, सिफिलिस भी होता है, बट ये नहीं होता, परसुलिस। ओके, इट विल बी द राइट आंसर, पर टू सीज। देन नेक्स्ट वन, ट्रेपोनेमा पैलिडम पैथोजन इज कोज ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर एट है, यस, इज अ कोज ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए। यस, राइट आंसर विल बी सिफिल्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा 15 मिनट्स के अंदर आपको 30 क्वेश्चन कवर अप हो जाए आपके लिए, क्वास योर कर। ओके, ट्राई रहेगी कि 15 से भी कम समय लगे। क्वास योर कर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किस चीज़ की कमी की वजह से होता है क्वास योर कर। क्वेश्चन नंबर नाइन, तो देखिए डायरेक्ट इसमें आंसर बता देता हूँ मैं आपको, प्रोटीन। यस, राइट आंसर विल बी प्रोटीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट देख लीजिए, यस, क्वेश्चन नंबर टेन, द डैश आर एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेल। यस, द डैश आर, तो एसोसिएटेड विद द सेलुलर
रेस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सेल, ये क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? यस, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलिए या पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। द नेक्स्ट वन, यस नेक्स्ट वन देखिए, म्यूटेशंस फिनोमिनन यूजुअली अकर्स एट द टाइम ऑफ, कब होता है म्यूटेशन, कब होता है? तो मैं आपको बता दूं, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर। और साथ में भाई, यस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें, और सबसे ज़्यादा तो भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिससे बाकी जो एप्लीकेंट्स उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उनको मिल जाए। फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ एन असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन है ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज नॉक नी बोलेग्स एंड पिजन चेस्ट इन, यस, चिल्ड्रन। और रीजन क्या है? विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, यस, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन, यस। तो इसके लिए राइट है भाई, क्योंकि दोनों चीज़ें राइट है, दोनों चीज़ें राइट है। अगर एक राइट होती है एक रॉन्ग, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ब्लड सेल इज राउंड एंड नॉन ल्यू, यस, राउंड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड इन ह्यूमन्स। देन राइट आंसर विल बी एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट आंसर विल बी एरिथ्रोसाइट्स। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड हैज अ पीएच ऑफ, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो कैसी होती है? वो होती है स्लाइटली एल्केलाइन। कैसी होती है? स्लाइटली एल्केलाइन, ओके। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, यस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? फ्लावर, प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। देन नेक्स्ट वन पर चलते हैं, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम बैक्टीरियोफेज विच पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके, देन चेक इट, 1, 2, 3, 4, ओके, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, यस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, देन यस, बी पार्ट, सेकंड पार्ट जो है यहाँ है भाई, यस, ये प्रोटीन का बना है सेकंड पार्ट, ये दिस वन, ये प्रोटीन का है। देन नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हिस्टोन प्रोटीन्स इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन, यस। तो हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद डीएनए, हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद डीएनए। देन नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट, यस, जल्दी से देख लीजिए, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन इज और आर इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर एट। देन राइट आंसर देख लीजिए एक बार, ऑप्शन दो ही देख लीजिए आप, ज़्यादा देखने की नीड नहीं है, मैं आपको राइट आंसर इन्हीं में से बता देता हूँ। द आउटर ब्रेन इज वाइट एंड द इनर वन इज ग्रे इन कलर, यस, जो आउटर ब्रेन होता है वो वाइट होता है, और जो अंदर की साइड्स होता है, इनर वन इज ग्रे इन कलर, ओके। देन नेक्स्ट वन, यस, नेक्स्ट वन इज, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड मैच द, यस, एंड मैच द पाइथो हॉर्मोन्स विद देयर फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर नाइन, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं, गिब्रेलिन, ऑक्सिन, ए बी ए, एथाइलिन, साइटोकाइनिन, ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन। देन यहाँ से आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सामने फंक्शन लिखे हुए, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ भाई, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की नीड नहीं है, क्वेश्चन ईजी सा है बिल्कुल, यस, राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। कैसे होगा? अब देखिए, वन के लिए ई, गिब्रेलिन, ये क्या होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए, ओके, ये वन के लिए हो गया। देन टू के लिए डी, यस, ऑक्सीजन किस लिए होता है? ओके, इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन, ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए सी, ए बी ए, लीफ विल्टिंग के लिए, लीफ विल्टिंग के लिए, ओके। देन नेक्स्ट वन, एथाइलिन, ये होता है रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, एथाइलिन किस लिए होता है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एंड साइको साइटोकिनिन, सेल डिवीजन के लिए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर नाइन ओवर, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू। तो जब आप रीड करेंगे ओके, जब आप इन सभी स्टेटमेंट्स को देखिए, ए स्टेटमेंट आप देखिए, यस आप आराम से रीड कर सकते हैं इन्हें। बी स्टेटमेंट्स देखिए, ये लीजिए भाई, एक साथ देखिए, यस तीन स्टेटमेंट है आपके सामने, तीन तीनों रीड कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये रहा भाई, ओके चारों है आपके सामने, तो इसमें से कौन सा राइट होगा, कौन सी राइट नहीं, तो डी विल बी द राइट आंसर, डी। ओके देन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्स सी टू कन्वर्जेशन कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन, तो इन्हें देख लीजिए, यस राइट आंसर विल बी बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन एक्स सी टू कंजर्वेशन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, यस एंटीबायोटिक्स, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे भाई, एक बार ऑप्शन देख लीजिए सभी, यस क्वेश्चन नंबर टू, यस ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, यस राइट आंसर विल बी सी, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग वायरस, ओके यस। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यस क्वेश्चन नंबर थ्री आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा नोट करेक्ट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है या करेक्ट लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, यस देन क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए डी विल बी द राइट आंसर, ओके वायरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, यस सी विल बी द राइट आंसर, एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट एंड रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, ओके देन नेक्स्ट वन, विच वन अमंग द फॉलोइंग, यस क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग माइक्रोग्रेविटी इज करेक्ट, तो ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है आप भी लास्ट में मुझे ये जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। तो ए विल बी द राइट आंसर, लीडिंग टू एन एक्सीलरेशन ऑफ एज रिलेटेड चेंज सिमिलर टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, यस अ सर्जिकल ऑपरेशन यूजुअली परफॉर्म बाय अ गायनोकोलॉजिस्ट टू रिमूव ऑल और पार्ट ऑफ द यूटेरस इज नोन एज, यस क्वेश्चन नंबर सिक्स, यस क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए राइट आंसर विल बी इटाई, यस इटाई स्ट्रिक्टोमी, इटे स्ट्रिक्टोमी। द नेक्स्ट वन, इन द यस फोइट बॉडी द एम एमनियन इज, क्वेश्चन नंबर सेवन, यस बी विल बी द राइट आंसर, टू रेगुलेट टेम्परेचर, ये किस लिए होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यस आपको इनमें से बताना है विच वन इज करेक्ट, ये रहे ऑप्शन आपके सामने, आपको करेक्ट बताना है, तो राइट आंसर विल बी, यस राइट आंसर विल बी बी, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। द नेक्स्ट वन, यस क्वेश्चन नंबर नाइन, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड विच रिलेटेड टू, यस क्वेश्चन नंबर नाइन सी, विच इज रिलेटेड टू काउ। द नेक्स्ट वन, विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यस जल्दी से देखिए किसका होता भाई ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, एंड राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया, ओके एंड प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के खुद का आरएनए और डीएनए होता है, ठीक है राइबोसोम्स एंड डीएनए। तो देखिए आज की ये हमारी क्लास थी, ठीक है, और आज अगर आप डिमांड करते हैं आपको और क्लासेज भी मिल जाएंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।